हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी त्वचा के हिसाब से कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट या कौन सा साबुन यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, हम अपनी सुंदरता के लिए तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। कई बार इनका असर होता है और कई बार नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इनका असर उल्टा ही हो जाता है और हमारी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। दोस्तों, ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमारी स्किन कैसी है, हमारी स्किन पर किस प्रकार का साबुन असर करेगा। साथियों, इसके लिए ये जानना ज़रूरी है किस किस प्रकार की त्वचा होती है। तो चलिए बताते हैं कितने प्रकार की त्वचा होती है और किस तरह की त्वचा पर किस तरह का प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार हर व्यक्ति की त्वचा अलग अलग प्रकृति की होती है और उसके गुण भी अलग ही होते हैं। गुणों के आधार पर इसकी चार किस्में बताई गई हैं: रूखी त्वचा, तेलीय त्वचा, सामान्य त्वचा और मिली जुली त्वचा। रूखी त्वचा खिंची खिंची और सख्त होती है। थोड़ी सी लापरवाही से इसमें रूखापन दिखने लगता है और ठंड के मौसम में ये कमज़ोर पड़ जाती है और फट जाती है, और दोस्तों इस पर झुर्रियाँ भी जल्दी आ जाती हैं। दूसरी है तैलीय त्वचा। तैलीय त्वचा रूखी त्वचा से बिल्कुल उल्टी होती है। ये अधिक सक्रिय होती है जिससे त्वचा ऑयली और चिपचिपी रहती है, लेकिन इस पर झुर्रियाँ देर से आती हैं, पर कील मुहासों की परेशानी बनी रहती है और इस त्वचा पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या मेकअप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तीसरी है सामान्य त्वचा, जो सबसे अच्छी और बेहतर होती है, जो ना रूखी और ना ही ऑयली होती। ये कोमल और खिली खिली रहती है। इस पर रोम छिद्र भी दिखाई नहीं पड़ते। इस पर ना तो कील मुहासों की समस्या होती और ना ही समय से पहले झुर्रियाँ आती हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। चौथी और आखिरी है मिली जुली। मिली जुली त्वचा में कुछ भाग रूखा तो कुछ तेलिया होता है। जैसे माथा और नाक तेलिया हो जाए और आँखों के आसपास का भाग या गले का भाग रूखा रहे, इस त्वचा वाले लोगों को दोनों समस्याओं से बचना ज़रूरी है। दोस्तों, त्वचा कैसी भी हो, सबसे पहले तो साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना जरूरी है। सुबह शाम स्नान करें, कभी भी बाहर आए जाएं तो चेहरा अच्छी तरह से धोएं। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज आती है साबुन। साबुन का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगर रूखी त्वचा है तो ग्लिसरीन युक्त साबुन का यूज करना चाहिए। तेलिया यानी ऑयली त्वचा पर लेमन यानी नींबू वाले साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। साथियों, सामान्य त्वचा पर किसी भी तरह का साबुन लगाया जा सकता है, पर ध्यान रहे कि साबुन ज्यादा केमिकल युक्त ना हो या फिर उसमें अल्कोहल की मात्रा ना हो। ऐसे प्रोडक्ट किसी भी लिहाज से सही नहीं होते। इसीलिए दोस्तों, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और साबुन का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। गलत चयन त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। गलत चयन करने से बेहतर है कि आप किसी प्रसाधन का प्रयोग ना करें, और करें तो अपनी त्वचा के हिसाब से ही करें। तो साथियों, ये हमने आपको बताया कि किस प्रकार की त्वचा पर कौन से साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।